महासमुंद जिले के पिथौरा से लगे ग्राम सेवैया कला में युवाओं व महिलाओं ने अवैध शराब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपने गांव को नशा मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चला रही हैं और लोगों को जागरूक कर रही हैं। यहां की महिलाएं ग्राम प्रमुखों के साथ बैठक कर गांव में शराबबंदी की मुहिम छेड़ी है। विगत दिनों गाँव के अलग अलग 3 अवैध शराब के ठिकानों पर दबिश दी गयी और शराब माफियाओं को पिथौरा पुलिस के हवाले किया गया। यहाँ की महिलाओं ने बताया कि गांव में अवैध शराब बिक्री करने वालों के खिलाफ 50,000 रुपए का अर्थदंड रखा गया है। गत्र हुए हैं, बताएंगे। मैं माधुरी पटेल सिवई कला में गत हूँ और मैं मतलब यहाँ ग्राम संगठन के सचिव भी हर हूँ। हमारे महिला समिति चला था, सब महिला समिति कल हमारे गांव में मीटिंग रखे रहे कि हमारे यहाँ शराब बना थे और बिक्री होते तो रोकबो करके कल मीटिंग रखे रहे। तो हमन समझाइश बटे कर जेकर यहाँ शराब बना थे ओकर यहाँ गेन और मतलब समझान कि तुम शराब बनाना बंद करो और बेचना करो। इमे गाँव भर के जो भी है लड़का सियान बुजुर्ग मन सब जाते हैं वहाँ 10 रुपये भी दे थे मन तब कुछ भी कारण से जाते और जब समय बे समय जाके पी के आके घर में पूरा वो तहलका मचा दा रहा तो ओला रोके बार हमन समझाए बर गए रही तो हमन सब घर मतलब जहाँ जहाँ शिकायत आ रही वहाँ वहाँ गए। ओकर बाद वापस आते रहे ना तो वो मन तुरंत बेचना चालू कर दी समन के बात लनी मानी से तहने फिर हमार 5-6 महिला वहाँ बैठा दे रहे तो वो मन रोके बर गिस तो वो मन रोकत रहीस ना तो वो बीच में वो शराब बेचने वाला बेची से और महिला मन के ऊपर में शराब ल डाल दी तहन फिर हम सब उगर घर में घुस गए थे काबर इसमें करे करके तो वहाँ घुसे ना तो वहाँ बहुत सारा मतलब 4 लीटर शराब मिली और महुआ जो पास मिल थे वो बोरी में भी महुआ मिली तहन ओकर बाद पुलिस आई ओकर बाद मन केस बना के किस 4 लीटर में तो केस नहीं बने की और अपन मन वो कार्रवाई करी मन हाँ। ओकर बाद हमन गाँव में मीटिंग रखे हैं गाँव भर पूरा और मतलब गाँव में मतलब नियम बनाए हैं कि आज के बाद तुरंत शराब बनाऊँ या फिर बेचू या उसने में तुम दिख जाऊँ तो तुम 50,000 दंडित करे जाही और जो बताही ओला 10,000। अब ये नियम गांव में है और ये शर्त है अब देख ले थन अब कतका दिन तक ये नियम लागू है अब कब तक मानते हैं मन ओकर बाद आगे कार्रवाई करबो हम अगर नहीं मानते। मैं टेका पंचायत का सरपंच हूँ सेवैया कला मेरा आश्रित गाँव है। महिला लोग दारू पकड़े थे आज कल तो मेरे को सुबह आना करके बोले थे तो मैं आया हूँ यहीं सेवैया कला में और एक ये लोग लिखा पढ़ी कर रहे हैं कि आज से दारू नहीं बेचेंगे करके बोल रहे हैं। इसमें रामलाल है 2-5 जन हैं ये लोग तो आज से हम लोग दारू नहीं बेचेंगे करके बोल रहे हैं। हम लोग भी मना कर रहे हैं एक बार वो मना कर चुके थे यहाँ से भेजे थे गाड़ी में ट्रैक्टर में लेके पास वगैरह गंज वगैरह लेके तो कार्रवाई करवाए थे। एक बार हम लोग तो गया था एक जने जेल गया था और अभी एक जने के घर में ये लोग गए थे तो दारू पकड़े थे तो अभी आए हैं वो लोग और उसको लिखा पढ़ किए हैं वो लोग कि गांव वाले पूरा पंच महिला समूह लोग और बोल रहे हैं आज से दारू नहीं बेचेंगे ये लोग बोल रहे हैं दारू बेचने वाले और बेचेंगे तो आज से जो पकड़ेगा तो उसको 10,000 दंडित नहीं 10,000 मतलब पकड़ने वाला को जो देंगे करके बोल रहे हैं गांव वाले पूरा जितना पब्लिक हैं और जो पकड़ाएगा वो भी 50,000 रुपया रखेगा गांव में नहीं तो गांव से उसको मतलब निलंबित किया जाएगा करके गांव वाले पूरा सकला के जितना महिला समूह सब ऐसे बोल रहे हैं। क्या तो इस मामले को लेकर सभी गांव वाले सहमति दिए हैं? हाँ मामले सहमति दिए हैं गांव वाले जो आरोपी हैं वो वहाँ पे हैं। हाँ हैं अभी यहीं हैं। तो उनका क्या कहना है? वो लोग बोल रहे हैं नहीं बेचेंगे आज से करके बोल रहे हैं। तो अभी जो घटनाक्रम है उसका थाने में सूचना दिए हैं? रात में दिए थे। रात में लोग दिए थे। तो किस बात का फिर समझौता हुआ फिर? नहीं गांव वाले से समझौता कर रहे हैं अभी थाने नहीं गए हैं ये लोग अपनी गत्र हुए हैं बताएंगे। मैं माधुरी पटेल सिवई कला में गत हूँ और मैं मतलब यहाँ ग्राम संगठन के सचिव भी हर हूँ। हमारे महिला समिति चला
साथ सब महिला समिति कल हमारे गांव में मीटिंग रखे रहे कि हमारे यहाँ शराब बना थे और बिक्री होते तो रोकबो करके कल मीटिंग रखे रहे तो हमन समझाइश बार लेकर जेकर यहाँ शराब बना थे और यहाँ गेन और मतलब समझान कि तुम शराब बनाना बंद करो और बेचना करो। इमे गाँव भर के जो भी है लड़का सियान बुजुर्गो मन सब जाते हैं वहाँ 10 रुपया भी दे थे मन तक कुछ भी कारण से जाते और जब समय बे समय जाके पी के आके घर में पूरा वो तहलका मचा दा रहा थी तो ओला रोके बार हमन समझाए बर ये रही तो हमन सब घर मतलब जहाँ जहाँ शिकायत आ रही वहाँ वहाँ गए ओकर बाद वापस आत रहे ना तो वो मन तुरंत बेचना चालू कर दी हमन के बात नहीं मानी तहने फिर हमारे 5-6 महिला वहाँ बैठा दे रही तो वो मन रोके बर गिस तो वो मन रोकत रहीस ना तो वो बीच में वो शराब बेचने वाला बेची से और महिला मन के ऊपर में शराब लगा दी तहन फिर हम सब उगर घर में घुस गए थे काबर इसमें करे करके तो वहाँ घुसे ना तो वहाँ बहुत सारा मतलब 4 लीटर शराब मिली और मऊआ जो पास मिल थे वो बोरी में भी मऊआ मिली तहन ओकर बाद पुलिस आई ओकर बाद उमन केस बना के किस 4 लीटर में तो केस नहीं बने किस और अपन मन वो कार्रवाई करी उमन हाँ ओकर बाद हमन गाँव में मीटिंग रखे हैं गाँव भर पूरा और मतलब गांव में मतलब नियम बनाए हैं कि आज के बाद तुम्हें शराब बनाऊँ या फिर बेचूँ या उसने में तुम दिख जाऊँ तो तुम्हें 50,000 दंडित करे जाही और जो बताही ओला 10,000। अब ये नियम गांव में है और ये शर्त है अब देख ले थन अब कतका दिन तक ये नियम लागू है अब कब तक मानते मन ओकर बाद आगे कार्रवाई करबो हम अगर नहीं मानते। पूर्व उप सरपंच ग्राम सेविया कला और हमारे गांव में दारू बिक्री अधिक हो रहा है उसकी रोकथाम के लिए इसको ये किए हैं हम लोग मीटिंग और 2-3 बार समझाइत दे दिए हैं अभी तक के ना तो समझाइत में माने ही इन लोग ना मान पाए और उसके बाद उसके घर में जाते हैं मना वना करने के लिए तो लेडीज़ के ऊपर यानी कि दारू डाले वाला काम करे है रात में ओकर नाम से महिला मन चिढ़ गई और महिला मन चिढ़ी तो ओकर नाम से पूरा ओकर घर से दारू बरामद करें तो ओकर बाद फिर जाके अपन का कहते थाना में शिकायत करें थाना वाला नहीं तो किस कि ये लाहा से कोई यानी कि कार्य है नहीं हो पाए और जितना दारू है वो नहीं के यानी कि केस बन पाई करके। तो क्या चाह रहे हैं आप और आगे मांग? हम आगे यानी कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई जाते हैं। अगर गांव में दारू पकड़े गए तो उसके लिए क्या कार्रवाई? उसके लिए गांव में जब वो पकड़ाएगा तो गांव वाले अब 50,000 रुपये दंडित किए हैं और जो बताएगा उसको 10,000 देंगे। प्रशासन और पुलिस प्रशासन से सहयोग किस तरह से मिल रहा है आप लोगों को गांव वालों को? कोई प्रकार का नहीं मिल रहा है। ये थी महासमुंद जिले से संवाददाता कीर्ति पांडे की रिपोर्ट। देश विदेश की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल रोशनी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।